हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, प्रीवियस क्लास के वीडियो में क्लास 11th के स्टूडेंट थोड़ा सा केयर करेंगे। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। आज की टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे तो गाइस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें पॉसिबल एरर कहने का मतलब संभावित त्रुटि वो भी किस में होनी चाहिए, मैक्सिमम में, और कैलकुलेशन किसका करना है गाइस, फिजिकल क्वांटिटी का। ओके दोस्तों, आपके पास कोई एक टॉपिक प्रेजेंट है जिस टॉपिक का नाम है फार्मूला। फार्मूला क्या है गाइस, y इक्वल टू ए क्यू बी अपॉन कितना है सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दिस इम्प्लाइड y इक्वल टू ए क्यू बी आपके पास ऑलरेडी ऊपर, जब सी स्क्वायर ऊपर जाएगा सी रेस द माइनस टू हो जाएगा। ओके दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक समझ में आई तो टॉपिक को लेकर आगे बढ़ जाइए, ध्यान से समझ लीजिएगा। टेकिंग बाद साइड लॉग, कहने का मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा गाइस, ए लॉग वाई हो जाएंगे और ए क्या हो जाएगा लॉग ए क्यूब और बी हो जाएगा सी के पावर माइनस टू हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां आपका लॉग वाई हो जाएगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, आपको पता होता है क्या गाइस, लॉग यम इंटू यन, लॉग यम इंटू यन कितना हो जाएगा जानते हैं, लॉग यम प्लस और लॉग कितना हो जाएगा इस यन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे ध्यान से समझते जाइएगा, समझ जरूर आएगा। यहां से आपका इतना हो जाएगा, जब इसको तोड़ देंगे लॉग यम प्लस एन के फंक्शन में, लॉग ए क्यूब हो जाएगा प्लस लॉग बी हो जाएगा प्लस लॉग सी रेज द माइनस टू हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिए, यहाँ लॉग ए, आपको एक और फार्मूला पता है लॉग यक्स के पावर यम इक्वल टू यम लॉग कितना हो जाएगा यक्स। गाइस, ये फार्मूले हैं आपकी टॉपिक के फार्मूले, थोड़ा सा क्लियर करके इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, समझ जरूर आएगा। यहाँ से अब आगे देखिए, एक कितना हो जाएगा थ्री लॉग ए, एक कितना हो जाएगा लॉग बी, और ये माइनस टू है तो माइनस टू आएगा, माइनस टू लॉग सी हो जाएगा। अब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कहने का मतलब आंशिक अवकलन करेंगे तब एक इसमें आ जाएगा जानते हैं, फ्रैक्शनल एरर में आ जाएगा जिसमें कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो डेल वाई अपान वाई हो जाएगा थ्री डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी माइनस टू डेल सी अपान सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए एक चीज टॉपिक की यहाँ ध्यान देंगे, कभी भी आप जब आप भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, संभावित भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे या आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, जो भी वैल्यू माइनस में रहेगी फ्रैक्शनल एरर के बाद में, उस वैल्यू को हम लोग किस में कर देंगे प्लस में। ये टॉपिक बहुत केयर करिएगा, कैसे करोगे, हिंस मैंने लिख दिया है क्या, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, कहने का मतलब अतः महत्तम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा इस डेल वाई अपान वाई मैक्स इंटू हंड्रेड हो जाएगा इक्वल टू थ्री डेल ए अपान ए इंटू हंड्रेड हो जाएगा प्लस डेल बी अपान बी इंटू हंड्रेड हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैंने बताया गाइस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ऑलरेडी जैसे प्लस आपका है ही। ओके दोस्तों, तो प्लस टू इंटू डेल सी अपान कितना हो जाएगा सी, ध्यान समझ लीजिएगा, डेल सी अपान सी इंटू कितना हो जाएगा हंड्रेड। गाइस, तो ये आपका क्या है, फार्मूला है। फार्मूला अगर समझ में आ गया हो, डेरिवेशन आपको समझ में आ गया हो, तो आइए इस पर आपको एक न्यूमेरिकल की टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं दोस्तों, केयर करिएगा। इसके लिए तीन आपको क्या चाहिए, अल्पतमांक चाहिए, तीन अल्पतमांक चाहिए जिसे कहते हैं मीटर स्केल गाइस। तो आपको पहला जो अल्पतमांक चाहिए वो पैमाने का चाहिए, किसका गाइस चाहिए बताइए, पैमाने का। पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है जानते हैं दोस्तों, पैमाने का अल्पतमांक 0.1 होता है। और स्क्रू गेज का अल्पतमांक जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का, दो और अल्पतमांक है गाइस, वर्नियर कैलिपर्स का कितना हो जाएगा जानते हैं, वर्नियर कैलिपर्स साइंटिस्ट का नाम है गाइस, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 हो जाएगा। वहीं स्क्रू गेज का कितना हो जाएगा गाइस, स्क्रू गेज का हो जाएगा 0.001। और भी अल्पतमांक आपको मिलेंगे जो आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए, अगर ए है तो डेल ए में कैसे लिखोगे, कितने पॉइंट पर, दशमलव है, तीन पॉइंट पर,
तीन डिजिट पर तो 0.001। ओके दोस्तों, तो किसका अल्पतमांक है? स्क्रू गेज का। ओके, अगर डेल बी का निकालना चाहोगे तो डेल बी का भी निकाल लो, कितना है गाइस जानते हैं? 2.0, तो यहाँ 0. कितना है? 1, यानी किसका हो जाएगा? पैमाने का हो जाएगा। अब सी का देखो तो क्या हो जाएगा? डेल सी हो जाएगा। इसके ऊपर भी जाएंगे, ऊपर जाने के बाद 0.0001। देखिए गाइस, जितने पॉइंट पर उसमें आपका, जितने डिजिट पर आपका दशमलव प्रेजेंट हो उतने डिजिट पर हम पॉइंट को लगाते हैं। ओके दोस्तों, अब आपको फार्मूला अभी मैंने डिराइव करवाया है, तो आप लोग इस फार्मूले पर रखिए। कितना हो जाएगा पता है? डेल वाई अपॉन वाई मैक्स इंटू कितना हो जाएगा जानते हैं? 100 हो जाएगा, इक्वल टू 3 डेल ए अपान ए है गाइस इंटू 100 है, और प्लस डेल बी अपान बी है इंटू कितना है दोस्तों बताएं? 100 है, प्लस कितना 2 डेल सी अपान सी, और इंटू कितना है दोस्तों जानते हैं? 100 है। यहां से 3 डेल ए, डेल ए की वैल्यू कितनी है? 0.001 अपान ए की वैल्यू कितनी है? 2.725 इंटू कितना हो जाएगा इस? 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। ये कितना हो जाएगा जानते हैं? डेल बी, डेल बी कितना है जानते हैं दोस्तों? 0.1, और बी कितना है? 2.0 इंटू कितना हो जाएगा? 100, प्लस 2 इंटू डेल सी, डेल सी की वैल्यू कितनी है? 0.0001 अपान कितना? 0.0372, और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गए, कितना बच जाएगा जानते हैं? 300 हो जाएगा। जब 3 में आप इसका मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा, और 2725 बचेगा, प्लस यहां से कितना हो जाएगा? 100 अपॉन कितना गाइस? 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन कितना जानते हैं? 372 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करके इसका भी इसका भी इसका भी डिवाइड करके एड कर देंगे, जो भी टॉपिक आपकी आएगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। गाइस एक चीज शेयर करेंगे, अगर टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, बाय बाय।